कि एल्वन में तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो जो लिकर थी उसमें 680 जो केसेस थे उसकी कमी पाई गई एज़ कम्पेयर टू जो उनका एक्साइज डिपार्टमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस स्टॉक से। तो इसके लिए इसके अलावा L13 में भी कुछ कमियां पाई गई, उसमें अराउंड 80 केसेस की कमियां थी। हमारे जो दो नेबरिंग स्टेट्स हैं यूपी और पंजाब, यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शंस बड़ी जल्दी होने वाले हैं। इस संदर्भ में बड़ा एक फंडामेंटल इशू है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि भाई इलेक्शंस के दौरान पे जो वोटर्स को लुभान्वित करा जाता है या मनी या फिर लिकर के माध्यम से, तो उसमें बीइंग नेबरिंग स्टेट हमारा हरियाणा और सिरसा ज़िला जो पर्टिकुलरली जो 165 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है पंजाब के साथ में, तो यहाँ पे हमने उसको चौकसी के लिए कि लिकर की जो मूवमेंट हो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से हो, लीगल तरीके से हो, तो इसी संदर्भ में हमने चेकिंग करी थी। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि भाई जो हरियाणा में जो शराब है उसका जो जो भाव है वो काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। यहाँ पे लगभग कोई भी जो शराब की जो बोतल है वो यहाँ पे आधा आधे अमाउंट में मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू यूपी एंड पंजाब। तो इस संदर्भ में कोई भी हमारा जो जो यहाँ पे लिकर शॉप्स हैं, चाहे वो वेयर हाउसेज हो गए L1 के रूप में, चाहे हमारे जो वेंड्स हो गए, तो वहाँ पे हमारी स्टॉक चेकिंग करी जा रही है। इसी पंक्ति में हमने मेरे द्वारा और SP साहब के द्वारा और एक्साइज ऑफिशल्स के द्वारा रेंडमली इंस्पेक्शन करी गई थी कल L1 और L13 में, जहाँ पे देखने में आया कि L1 में तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो जो लिकर थी उसमें 680 जो केसेस थे उसकी कमी पाई गई एज़ कम्पेयर टू जो उनका एक्साइज डिपार्टमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस स्टॉक से। तो इसके लिए इसके अलावा L13 में भी कुछ कमियां पाई गई, उसमें अराउंड 80 केसेस की कमियां थी। तो इसमें एक्साइज कलेक्टर जो पंचकुला में बैठते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है ऐसे केसेस को डिसाइड करने के लिए। हमारा जिला से रिपोर्ट बनके DETC एक्साइज जो होते हैं उनके तरफ से रिपोर्ट बनके एक्साइज कलेक्टर को जा चुकी है, और काफ़ी जल्दी जो उनमें जो मॉनेटरी जो पेनल्टी होती है वो काफ़ी जल्दी लगा दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी जो इस बिज़नेस में डील करते हैं उन सबको कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि आप इस पर रूल काम कीजिए, और जो जो भी मूवमेंट है, जो भी सरकार की जो नियम है कानून है उसके अनुपालन ना करना सुनिश्चित करें।